श्रीखंड बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो दही। श्रीखंड बनाने के लिए हमें ताजी दही लेना है। श्रीखंड बनाने के लिए हमें फुल फैट दूध लेना है, क्योंकि कोई भी डेजर्ट तभी टेस्टी बनता है जब उसमें फैट की क्वांटिटी अच्छी हो। श्रीखंड बनाने के लिए हमें इसी तरह का गाढ़ा दही लेना है। अब इस दही के पानी को हम स्ट्रेन करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक बॉल और इस पर रखेंगे एक स्ट्रेनर, और इस स्ट्रेनर पर एक कॉटन क्लॉथ रखकर इसमें हम दही ट्रांसफ़र करेंगे। दही से पानी को निकालने के लिए आप चाहें तो दही को कहीं पर टांग सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे इसका पानी अपने आप ही निकल जाएगा, या फिर आप इसे हाथ से प्रेस करके भी इसका पानी निकाल सकते हैं। अभी मैंने दही के पानी को थोड़ा सा निकाल दिया है। अब इसके पानी को पूरी तरह से निकालने के लिए अब इस दही को हम इसी स्ट्रेनर में रखेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे बीट। इस टिफ़िन में मैंने दाल भर के रखी है, जिसके वजन से दही का पानी धीरे धीरे पूरा निकल जाएगा। अब हम दही के पानी को पूरी तरह से स्क्वीज करने के लिए इसे 15 से 18 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। श्रीखंड में फ्लेवर और कलर लाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच दूध। ये मैंने हल्का गर्म दूध लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 20 से 25 केसर के धागे। केसर से श्रीखंड में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और कलर आता है। 18 घंटे हो चुके हैं, अब हम दही को चेक करेंगे। दही का पानी स्क्वीज हो जाने के बाद ये बिल्कुल पनीर की तरह से ही हो जाता है। अब श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले इस दही को हाथों से क्रम्बल करके लेंगे। दही को क्रम्बल करने के बाद अब इसे स्पैचुला की हेल्प से फेंटेंगे। अब इस दही को तब तक फेंटना है जब तक कि ये क्रीम की तरह बिल्कुल लाइट और फ्लफी ना हो जाए। आप चाहें तो इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं। दही को फेंटने के इसी प्रोसेस पर श्रीखंड की क्वालिटी डिपेंड करती है। दही को फेंटते हुए करीब 8 मिनट हो चुके हैं और अब ये पूरी तरह से लाइट और फ्लफी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। श्रीखंड को फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1/4 छोटा चम्मच क्रश की हुई इलायची ऐड करेंगे। इसी स्टेज पर केसर वाले दूध को ऐड करके सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और ये बहुत ही बढ़िया श्रीखंड रेडी हो चुका है। अब इसे बचे हुए केसर के धागों से गार्निश करेंगे। श्रीखंड को टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गार्निश किया जा सकता है। अभी इसे सर्व नहीं करना है, इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 2 घंटे के बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया श्रीखंड बनकर तैयार हो चुका है। श्रीखंड की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।